इस वीडियो में हम करने वाले हैं ऑल पॉसिबल ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो इनको करने में जो भी जड़ी बूटी मंत्र ट्रिक्स जो भी यूज होंगी मैंने यहाँ पे साइड में रख दी है, तो यहां से हम उठा उठा के धार 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 एक एक को करते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें हमें बताना है बेसिक नेचर। तो एसिडिक या बेसिक नेचर के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे देखें, तो अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज होता है, और राइट की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज होता है। अब सिंपली इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो, तो इसमें ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज है, मतलब लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी सबसे ज्यादा, सीजियम की होगी सबसे कम। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा उसका बेसिक नेचर सबसे कम, तो लिथियम वाले का बेसिक नेचर हो जाएगा सबसे कम, सीजियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से उसका बेसिक नेचर सबसे ज्यादा, तो ये हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी। देखो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए सिंपल सा फंडा है कि कटायन या अनायन अगर मोनो अटोमिक हो तो थर्मल स्टेबिलिटी होगी लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रपोर्शनल, और कटायन या अनायन अगर पॉली एटॉमिक हो तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। अब इसमें देख लो, यहां पे है OH है एक पॉली एटॉमिक अनायन, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन को हम क्या देखते हैं, पोलराइजेशन में कैसे देखते हैं, देखो इसको अभी भूल जाओ ये बाद में करेंगे। पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ठीक है, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इससे आंसर आया तो ठीक, वरना हम चलेंगे आगे। पहले देखते हैं इसमें चार्ज। अब इसमें देखो लिथियम सोडियम पोटेशियम रूबीडियम सीजियम सब में चार्ज बराबर है, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखते हैं हम OH का चार्ज, तो OH सब में कॉमन है तो हमारा आंसर चार्ज से तो आ नहीं रहा। अब हम देखेंगे पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। अब इसमें अनायन तो सब में सेम है, OH सब में सेम है, अनायन सेम हो गया, तो हमें देखना है साइज ऑफ कटायन है कि जिस कटायन का साइज सबसे छोटा होगा उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा होगी। अब इसमें सबसे छोटा कौन है, लिथियम, लिथियम सबसे छोटा तो उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा ऑर्डर बन जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। अब नेक्स्ट फिर से क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी का। अब हमने क्या देखना है, मोनो अटोमिक अनायन या कटायन है या पॉली अटोमिक है, तो इसमें देख लो लिथियम सोडियम रूबीडियम ये पोटेशियम सीजियम ये सारे हो गए मोनो अटोमिक, और हाइड्रोजन भी है मोनो अटोमिक, तो यहां पे फॉर्मूला लगेगा कि थर्मल स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अब इसमें चार्ज सब में बराबर है, लिथियम पे प्लस सोडियम पे प्लस पोटेशियम पे प्लस रूबीडियम पे प्लस सीजियम पे प्लस, और हाइड्रोजन पे भी माइनस 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 सब में बराबर है, तो चार्ज से तो अपना आंसर आ नहीं रहा, तो हमें देखना है साइज, जिसका साइज सबसे कम उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा, मतलब लिथियम वाले की लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी सबसे ज्यादा, तो ये ऑर्डर आ जाएगा लिथियम हाइड्राइड सोडियम हाइड्राइड, ये एल्कली मेटल के हाइड्राइड्स की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये साइज वाले मैंने जान के साथ में किए ताकि इनमें आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो साइज का जनरल ऑर्डर क्या चलता है, कॉमन ऑर्डर, कि हम नीचे की तरफ आते हैं पीरियोडिक टेबल में तो साइज इंक्रीज होता है, और राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। तो एक बात तो हमें सिंपल सी पता है कि लिथियम होगा सबसे छोटा और सीजियम होगा सबसे बड़ा, पर ये बात है आउटसाइड वाटर, जब आपको कुछ ना बोला जाए क्वेश्चन में या गैसियस स्टेट बोला जाए या पानी के बाहर बोला जाए तो साइज का ऑर्डर लगाना है ये, मतलब सीजियम सबसे बड़ा और लिथियम सबसे छोटा, पर इन वाटर इनसाइड वाटर पानी में बात की जाए तो इस ऑर्डर को सिंपली उल्टा कर देना है, लिथियम हो जाएगा सबसे बड़ा और सीजियम हो जाएगा सबसे छोटा।
ठीक है। अब इसमें एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है मोलर कंडक्टिविटी, अब इसको कैसे देखना है। देखो सिंपल सी बात है, मोलर कंडक्टिविटी ये नाम से ही पता लग रहा है कि हम पानी में या किसी सॉल्यूशन में देख रहे हैं। तो पानी में जब हमने डाला था तो सीजियम हो गया था सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा होगा, जो सबसे पतला होगा, वो उतनी तेज भागेगा, तो जितनी तेज भागेगा उसकी कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, सीजियम पानी में या सॉल्यूशन में सबसे छोटा, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा। इसको ऐसे याद रखना, जितना छोटा जितना पतला उतनी तेज भागता रहेगा, उतना ज्यादा करंट को वो कंडक्ट करेगा। ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ पे है आयनाइजेशन पोटेंशियल, ये बहुत सिंपल है। आईपी, आईपी का ऑर्डर क्या चलता है पीरियोडिक टेबल में, ये कॉमन ऑर्डर है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज और राइट की तरफ जाएंगे तो भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज होगा, मतलब ये लिथियम का मैक्सिमम और सीजियम का सबसे कम। अब मैंने रिएक्टिविटी के ऑर्डर को पहले ही फिल कर दिया, क्यों कर दिया इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाओ। देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगी। ठीक है, अब यहां पे देखो लिथियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज्यादा और सीजियम का सबसे कम, मतलब लिथियम का इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे ज्यादा एनर्जी लग रही है और सीजियम का इलेक्ट्रॉन निकालने में सबसे कम एनर्जी लग रही है। तो सीजियम आसानी से अगर इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी मैक्सिमम, और लिथियम बहुत मुश्किल से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी मिनिमम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितनी जल्दी दे देगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो आयनिक एंड एटॉमिक रेडियाई, तो ये इससे ही हो जाएगा कि नीचे की तरफ आएंगे तो साइज का इंक्रीज हो रहा है। बेसिकली ये यही पे है कि आउटसाइड वाटर जो हमने साइज का किया था, तो ये सेम ही हो जाएगा, सीजियम सबसे बड़ा और लिथियम सबसे छोटा। ठीक है, अब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या चलता है पीरियोडिक टेबल में कॉमन, कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज होगा, तो ये सिंपल सा ऑर्डर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्लोराइड्स हैं, इनका बताना है हमें आयनिक करेक्टर। तो आयनिक या कोवेलेंट करेक्टर के लिए हम सिंपल सा फंडा लगाते हैं कि कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन एंड आयनिक करेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो यहां पे हमें देखना है आयनिक करेक्टर, तो ये होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, तो सिंपली हमें देखनी है पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज से आंसर आया तो ठीक, वरना चलेंगे आगे। तो पहले चार्ज देखते हैं, तो देखो ये क्लोरीन सब में कॉमन है, तो इससे तो हमारा चार्ज सब में सेम आ रहा है, इससे आंसर नहीं आने वाला। और यहां पे लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस सब पे चार्ज बराबर, तो चार्ज से तो अपना आंसर नहीं आ रहा, अब हमें जाना पड़ेगा आगे। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। देखो मैं हर चीज को बार बार बोल के जानबूझ के बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, नहीं तो मैं पागल नहीं हूं। सिंपली इसको ऐसे दिखा के भी डायरेक्ट मैं ऑर्डर भी बना सकता हूं, वीडियो भी छोटी बनेगी। ठीक है, पर मैं जानबूझ के चिल्ला चिल्ला के बार बार इनको मैं बता रहा हूं ताकि आपको ये साथ में ही याद हो जाए। ठीक है, तो अभी सिंपली हमें देखना है कि आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। अब इसमें साइज देख लो, सीजियम का साइज सबसे बड़ा, लिथियम का सबसे छोटा, तो आयनिक कैरेक्टर सीजियम का हो जाएगा, सीजियम वाले का हो जाएगा सबसे ज्यादा, सीजियम क्लोराइड का। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमें देखना है कोवेलेंट कैरेक्टर, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, तो चार्ज सब में बराबर है, क्लोरीन पे माइनस, ब्रोमीन पे माइनस, आयोडीन पे माइनस, लिथियम पे बराबर है, लिथियम सब में कॉमन है तो इस पे बराबर है। अब हमें देखना है चार्ज से आंसर नहीं आया तो हमें चलना है आगे। ठीक है, फिर से मैं बोल रहा हूं, मैं बार बार चिल्ला के बताऊंगा हर चीज को। ठीक है, अब कोवेलेंट करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अनायन, तो इसमें देख लो अनायन किसमें सबसे बड़ा है, आयोडीन सबसे बड़ा, तो इसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा। ठीक है, क्लोरीन इसमें सबसे छोटा, तो इसका कोवेलेंट करेक्टर सबसे कम, तो ये सिंपली हमारे पास ऑर्डर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। देखो सॉल्युबिलिटी का सिंपल सा फंडा है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं चिल्ला चिल्ला के, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। अब साइज डिफरेंस कैसे देखें, देखो इसमें सिंपली सा देखना है कि अगर पॉली एटॉमिक कटायन या अनायन है वो सिंपली होता है लार्ज साइज का। जनरली यही रूल चलता है कि पॉली एटॉमिक कटायन या अनायन है तो वो होगा लार्ज साइज का, और मोनो एटॉमिक कटायन या अनायन है वो होगा स्मॉल साइज का। अब इसमें देखो यहां पे Cl4- है पॉली एटॉमिक, मतलब ये हो गया
लार्ज साइज है, ठीक है, ये Cl4 हो गया पूरा लार्ज साइज है, ठीक है। अब लिथियम क्या होता है, स्मॉल साइज, और सीजियम है, हमें पता है यहां से हमने देखा कि लिथियम होता है छोटा और सीजियम होता है बड़ा, तो सीजियम होगा लार्ज साइज। तो देखो ये भी लार्ज, तो साइज डिफरेंस हुआ कम, और ये स्मॉल और ये लार्ज, मतलब साइज डिफरेंस होगा ज्यादा। तो इसमें साइज डिफरेंस ज्यादा तो सोल्युबिलिटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ज्यादा, तो हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बेसिक नेचर। अब बेसिक नेचर या एसिडिक नेचर का हमें सिंपल सा फंडा पता है कि एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी है इसमें, इसमें से देख लेते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिथियम की, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसका बेसिक नेचर हो जाएगा सबसे कम, ये ऑर्डर आ जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोनेट्स की थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी का सिंपल सा फंडा, सबसे पहले देखो कटायन या अनायन मोनो अटोमिक है या पॉली अटोमिक। तो यहां पे है कार्बोनेट आयन हो गया पॉली अटोमिक, तो थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन का हमें सिंपल सा फंडा क्या पता है कि पोलराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, चार्ज सब में बराबर हो जाएगा। फिर चार्ज से आंसर नहीं आया तो हम चलेंगे आगे, तो इसमें कार्बोनेट मतलब अनायन सब में बराबर, तो आंसर आएगा हमारा साइज ऑफ कटायन से। तो लिथियम सबसे छोटा, तो उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम, ठीक है, सिंपल है। सीजियम सबसे बड़ा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा, तो उसकी पोलराइजेशन सबसे कम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो थर्मल स्टेबिलिटी सीजियम वाले की सबसे ज्यादा, लिथियम वाले की सबसे कम। यार ये तो बेसिक है, आप भी कर सकते हो इनवर्सली डायरेक्टली, ये तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा, मतलब कॉमन सी चीज है, डायरेक्टली इनवर्सली तो आपको करना आता ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ बाइकार्बोनेट्स। तो थर्मल स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आते ही हमें देखना है कि कटायन या अनायन मोनो अटोमिक है या पॉली अटोमिक। तो यहां पे देखो HCO3- ये है पॉली अटोमिक, तो पॉली अटोमिक कटायन या अनायन के लिए थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। बार बार बोल रहा हूं याद रखना, ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन हम कैसे चेक करते हैं, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब इसमें चार्ज सब में बराबर है, तो चार्ज से आंसर ना आए तो हम चलेंगे आगे, तो इसमें आंसर किससे आएगा, साइज ऑफ कटायन से। अब लिथियम सबसे छोटा, तो उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, तो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम। सीजियम सबसे बड़ा, सीजियम का साइज सबसे बड़ा, पोलराइजेशन सबसे कम और थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली है, तो ये हो जाएगी सबसे ज्यादा, तो ये ऑर्डर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे कंप्लीट हुआ हमारा ग्रुप वन, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप टू। तो इसमें पहला क्वेश्चन एटॉमिक एंड आयनिक साइज। तो एटॉमिक एंड आयनिक साइज के लिए सिंपल सा यही फंडा, नीचे की तरफ आएंगे तो साइज का इंक्रीज होगा, तो ये सिंपल है। आईपी एंड ईएन ये वाला लगा देंगे कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो आईपी एंड ईएन आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इंक्रीज होगा, ये सिंपल है। अब देखो इनको देख के डरना नहीं है, ये मैंने एक पैटर्न पे लिखे हैं। ये तीन क्वेश्चन है सोल्युबिलिटी के, सोल्युबिलिटी किसकी, पहले कार्बोनेट्स की, फिर सल्फेट्स की, फिर नाइट्रेट्स की, और ये है थर्मल स्टेबिलिटी, तीनों थर्मल स्टेबिलिटी। फिर सेम ऑर्डर में लिखे हैं कार्बोनेट्स, सल्फेट्स और नाइट्रेट्स। तो सॉल्युबिलिटी का हमें सिंपल सा फंडा पता है कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। अब साइज कैसे देखना है, तो मैंने बोला था कि जनरली जो पॉली अटोमिक है वो होंगे लार्जर साइज और मोनो अटोमिक है वो होंगे स्मॉलर साइज। तो देखो इसमें कार्बोनेट भी पॉली एटॉमिक है तो ये भी लार्जर, सल्फेट भी पॉली एटॉमिक है तो ये भी लार्जर, और नाइट्रेट भी पॉली एटॉमिक है तो ये भी लार्जर। तो ये हम फर्स्ट और लास्ट पे लिख देते हैं, बाकी हमारा ऑर्डर अपने आप बन जाएगा, ठीक है। कार्बोनेट भी पॉली एटोमिक है तो लार्जर साइज, सल्फेट भी पॉली एटोमिक है तो ये भी लार्जर साइज, और नाइट्रेट भी पॉली एटोमिक है तो ये भी हो गया लार्जर साइज, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं बेरिलियम का साइज सबसे छोटा, बेरियम का सबसे बड़ा, तो बेरिलियम हो गया स्मॉलर और ये हो गया लार्जर, ठीक है। इसमें भी सेम कर देते हैं, ये स्मॉलर और ये स्मॉलर, और यहां पे बेरियम लार्जर लार्जर, ठीक है। अब देखो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। अब ये लार्जर लार्जर है, दोनों बड़े हैं, तो साइज डिफरेंस सबसे कम, तो सॉल्युबिलिटी इसमें हो जाएगी कम, ठीक है, ये ऑर्डर आ जाएगा।
होगा। और इसमें देखो एक स्मॉलर है एक लार्जर है, मतलब साइज डिफरेंस हुआ ज्यादा तो सोल्युबिलिटी हो जाएगी मैक्सिमम। ठीक है, ये तीनों का मैंने इसलिए साथ में कराया था ताकि आपका रिलेट हो जाए, तो ये आपका पूरे ऑर्डर बन गए, ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट है थर्मल स्टेबिलिटी। तो थर्मल स्टेबिलिटी के लिए हमें देखना है कि कटायन या अनायन मोनो अटोमिक है या पॉली अटोमिक। तो ये भी पॉली अटोमिक, ये भी पॉली अटोमिक, ये भी पॉली अटोमिक। ठीक है, यहां पे भी हमने कर लिया था कि कार्बोनेट भी पॉली अटोमिक, सल्फेट भी पॉली अटोमिक, नाइट्रेट भी पॉली अटोमिक। तो अभी आप एक पैटर्न देख रहे हो कि सोल्युबिलिटी में भी पॉलीएटॉमिक का खेल चल रहा है और थर्मल स्टेबिलिटी में भी पॉलीएटॉमिक का। तो ये कार्बोनेट भी पॉलीएटॉमिक, सल्फेट भी पॉलीएटॉमिक, नाइट्रेट भी पॉलीएटॉमिक। तो पॉलीएटॉमिक कटायन या अनायन है तो थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। चार्ज तीनों में सब में बराबर, तो चार्ज से आंसर तो नहीं आ रहा। तो चार्ज से आंसर ना आए तो हम चलेंगे आगे। अब इसमें देखना है सिंपली साइज ऑफ कटायन। साइज ऑफ कटायन जिसमें सबसे कम उसकी पोलराइजेशन सबसे ज्यादा, मतलब बेरिलियम की पोलराइजेशन होगी सबसे ज्यादा और थर्मल स्टेबिलिटी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी का ये ऑर्डर। ठीक है, बेरियम का साइज सबसे बड़ा, पोलराइजेशन सबसे कम और थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो ये हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा थर्मल स्टेबिलिटी का। ठीक है।